फ्रेंड्स, अब हम लोग हमारा जो नेक्स्ट है बाइंडिंग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने कोर के बारे में पढ़ा था कि कोर किस मटेरियल का बना होना चाहिए। मैंने जैसे आपको बताया था कि इट शुड बी मेड ऑफ सिलिकॉन स्टील और उसके एडवांटेजेस क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे बाइंडिंग्स के बारे में और उसके बाद हम लोग मैं आपको बताऊंगी कि बाइंडिंग और कोर का अलाइनमेंट किस तरह से हो, उसके हिसाब से हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मर को कोर टाइप और शेल टाइप में डिवाइड करके रखा हुआ है। क्लियर? तो जैसा कि आप लोगों ने बताया कि जो कोर जो हमारा होता है वो क्या है, सिलिकॉन स्टील का बना होता है या फिर सीआरजीओ स्टील का बना हुआ होता है। सिमिलरली जो हमारा बाइंडिंग है वो क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ट्रांसफॉर्मर के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेटालिक कंडक्टर्स का बना हुआ होता है। अगर आप लोग डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर की बात करें तो हमारा जो वाइंडिंग है वो क्या है, एल्यूमिनियम का बना हुआ होता है। जबकि जो पावर ट्रांसफॉर्मर की बात करें, पावर ट्रांसफॉर्मर मतलब बल्कि जो हाई वोल्टेज हाई रेटिंग हाई पावर रेटिंग हाई केवीए रेटिंग के जो ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं दैट इज कॉल्ड पावर ट्रांसफॉर्मर। तो उसके लिए जो हमारा जो वाइंडिंग है वो क्या है, कॉपर की बनी हुई होती है। क्लियर? तो एल्यूमिनियम एंड कॉपर बोथ आर द मेटल्स दैट आर यूज्ड फॉर मेकिंग द वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। क्लियर? डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर के लिए एल्यूमिनियम का यूज करते हैं जबकि पावर ट्रांसफॉर्मर के लिए कॉपर का यूज करते हैं। लेकिन एल्यूमिनियम और कॉपर दोनों क्या है, उसमें कुछ प्रॉपर्टी होती है कि उसको इजीली वोल्ड करना इजी नहीं होता। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसका एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस देते हैं, उसकी वजह से क्या हो जाता है, वो उसकी हार्डनेस थोड़ी कम हो जाती है। तो एल्यूमिनियम और कॉपर को एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस जिसको हम लोग एनीलिंग प्रोसेस बोलते हैं उसका यूज करके क्या करते हैं, उसकी हार्डनेस को हम लोग कम करते हैं ताकि वो क्या हो जाए, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, उसको इजीली हम लोग जहां पे भी वाउंड करना है वहां पे उसको वाउंड कर सकते हैं। क्लियर? तो बेसिकली आप लोगों ने जो मेजर दो चीजें हैं दैट इज अ कोर एंड वाइंडिंग उसके बारे में स्टडी किया। अब आपको मैं बताती हूँ कि कोर और वाइंडिंग को एक दूसरे के ऊपर कैसे अलाइन करें कि हम लोग डिफरेंट टाइप के कंस्ट्रक्शन को फॉर्म कर सकते हैं। क्लियर? तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं फर्स्ट डायग्राम में कि ये आपका जो है वो आउटर कोर है, उसकी दो लिंब है, ये लिंब है और इसकी एक सिंगल विंडो आपको दिख रही है। तो यहाँ पे जो लगा है वो क्या है, वाइंडिंग है। सपोज ये आपकी प्राइमरी वाइंडिंग और ये आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग, मतलब यहाँ पे सोर्स अप्लाई कर रखा है इसलिए ये प्राइमरी वाइंडिंग है, यहाँ पे लोड कनेक्टेड कर रखा है इसलिए इसको हम लोग सेकेंडरी वाइंडिंग बोलेंगे। तो जब ऐसा कंस्ट्रक्शन फीचर हो कि जहाँ पे कोर के ऊपर अगर वाइंडिंग बाउंड कर रखी हो तो उसको हम लोग बोलते हैं कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर। मीन्स इन केस ऑफ कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर आपका जो वाइंडिंग होता है वो क्या होता है, लिंब के ऊपर बाउंड होता है, इसको हम लोग बोलते हैं लिंब। यानी यहाँ पे कितने लिंब्स है, दो लिंब है, एक ये वाला लिंब और दूसरा ये वाला लिंब, मतलब एक स्ट्रेट जो फिनर्स का एक जो आपको फॉर्मेशन दिख रहा है उसको हम लोग बोलेंगे लिंब, और एक सिंगल विंडो है। और यहाँ पे क्या है, जो लिंब है उसके ऊपर मतलब कोर के ऊपर हम लोगों ने वाइंडिंग को माउंट कर रखा है, मतलब कोर यहाँ पे क्या है प्रोटेक्टेड जोन में है क्योंकि उसके ऊपर क्या है वाइंडिंग का कवर है। तो ऐसे जो ट्रांसफॉर्मर होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कि यहाँ पे जो वाइंडिंग है यहाँ पे एक सिंगल विंडो की जगह आपको तीन विंडो दिख रही है, मतलब दो विंडो दिख रही है और ये लिंब्स कितने हैं, तीन दिख रहे हैं, वन टू और थ्री, जिसमें सेंटर वाला जो लिंब है ये जो गैप है उसको लिंब, एक पिलर दो पिलर और तीसरा पिलर, ये सेंटर वाला जो है उसके ऊपर हमने क्या कर रखा है, हाई वोल्टेज एज वेल एज लो वोल्टेज दोनों वाइंडिंग्स को इसके ऊपर लगा के रखा हुआ है। मतलब यहाँ पे क्या है, वाइंडिंग वेल प्रोटेक्टेड है कोर से जबकि कोर क्या है एयर के इफेक्ट में ज्यादा है। तो ऐसे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर। अब डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए कोर टाइप या फिर शेल टाइप यूज करना है वो डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कोर टाइप के कौन कौन से फीचर्स होते हैं और शेल टाइप के कौन कौन से फीचर्स होते हैं। तो जैसा कि आप डायग्राम से देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपका जो कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर है उसमें क्या हो रहा है, आपकी जो वाइंडिंग्स है वो कोर के ऊपर राउंड है और यहां से जो फ्लक्स जा रहा है वो क्या है, जा रहा है। तो यहाँ पे जो फ्लक्स जा रहा है लेकिन आपकी जो वाइंडिंग है वो क्या है, एयर के कॉन्टेक्ट में ज्यादा है, मतलब आपका जो लीकेज फ्लक्स जो होगा, लीकेज फ्लक्स वो क्या होगा, लीकेज फ्लक्स ज्यादा होगा किस केस में, कोर टाइप के केस में। उसकी वजह से ये जो मैक्सिमम जो पावर कैपेसिटी है मतलब ये जो फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा, लीकेज फ्लक्स भी मैक्सिमम मेन फ्लक्स का ही कुछ पार्ट है लेकिन लीकेज फ्लक्स बढ़ेगा तो मेन फ्लक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब इसका पावर कैपेसिटी क्या होता है, कम होता है, मतलब इसकी पावर ट्रांसफर कैपेसिटी कम होती है इन केस ऑफ कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर। क्यों? बिकॉज आपका जो वाइंडिंग्स है उसकी वजह से लीकेज फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा, एयर में हो जाएगा, मतलब जो फ्लक्स कैसे निकलेगा वो कुछ एयर में चला जाएगा और जो सेकेंडरी को लिंक करेगा उसको हम लोग मेन फ्लक्स बोलेंगे और जो एयर में डिसिपेट हो जाएगा और लॉसेस देगा उसको हम लोग बोलेंगे लीकेज फ्लक्स। तो लीकेज फ्लक्स इस केस में ज्यादा होता है कोर टाइप के केस में। और यहाँ पे आप जैसे कि देख पा रहे होंगे कि यहाँ का जो फ्लक्स है ये जो मेन फ्लक्स जो निकल रहा है यहाँ से इसे ऊपर की तरफ जा रहा है दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, मतलब कोर इसको प्रॉपरली पाथ दे रही है। तो यहाँ पे इन केस ऑफ शेल टाइप आपका क्या होगा, लीकेज फ्लक्स क्या हो जाएगा,
को यूज करते हैं, इसका लीकेज फ्लक्स क्या होता है, ज्यादा होता है, जबकि इसमें लीकेज फ्लक्स कम होता है। यहाँ पे देखते हैं कि जो फ्लक्स प्राइमरी से स्टार्ट हो रहा है वो डायरेक्टली सेकेंडरी को लीक कर रहा है, वो कॉमन फ्लक्स है, मतलब दिस इज कॉल्ड सीरीज सर्किट, क्योंकि एक सिंगल पाथ में ट्रेवल कर रहा है जो आपका फ्लक्स है। जबकि इन केस ऑफ शेयर्ड टाइप ट्रांसफॉर्मर आपका जो फ्लक्स है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आधा इधर जा रहा है, आधा इधर जा रहा है, फिर इसे घूम के आ रहा है कोर में आधा का और फिर यहाँ पे वापस ले रहा है, मतलब ये आपका क्या है, पैरेलल सर्किट है। तो दिस इज एक्ट एज ए सीरीज सर्किट, कोर टाइप है, एक्ट करता है सीरीज सर्किट की तरह, जबकि शेयर्ड टाइप आपका जो है वो पैरेलल सर्किट की तरह एक्ट करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द वाइंडिंग्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, कोर और वाइंडिंग को एक दूसरे के ऊपर कैसे मोल्ड करके रखा हुआ है उसके हिसाब से हम ट्रांसफॉर्मर को बेसिकली टू पार्ट में डिवाइड करते हैं, कोर टाइप एंड शेयर्ड टाइप, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। नाउ थर्मल इज अ मेन टैंक। मेन टैंक क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर का ऑयल से भरा हुआ होता है। उसका क्या यूज है कि ऑयल जो होता है वो ट्रांसफॉर्मर को एक तो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी प्रोवाइड कराता है, और दूसरा क्या है, बहुत ज्यादा लोड ओवरलोड की वजह से ट्रांसफॉर्मर अगर गर्म हो जाए तो उसको कूलिंग प्रोवाइड करवाता है। तो कूलिंग पर्पज से एज वेल एज इंसुलेशन पर्पज के लिए हम लोग क्या करते हैं, मेन टैंक का यूज करते हैं। नेक्स्ट आप देखते हैं कि कंजर्वेटर टैंक प्लस बीदर। ये कंजर्वेटर और बीदर क्या होता है, जो मेन टैंक होता है उसके ऊपर एक छोटा सा डब्बा आप लोग देख पा रहे होंगे, छोटा डब्बा जो होता है उसको बोलते हैं कंजर्वेटर, और उसके ऊपर क्या होते हैं, बीदर होते हैं। बीदर मतलब फिल्टर की तरह एक छोटा सा लगा हुआ होता है जो एयर को कम बाहर निकालता है अंदर के लेके आता है। तो इसका क्या यूज है, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत बार क्या होता है, ओवरलोड होता है, तो ओवरलोड होने की वजह से क्या होगा, ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, बहुत गर्म हो जाता है, ठीक है। तो उसका हीट जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, ऑयल क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि मैंने आपको भी बताया कि जो मेन टैंक में जो ऑयल भरा हुआ होता है वो क्या करता है कि हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो ऑयल क्या हो जाएगा, एक्सपांड हो जाएगा, मतलब उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो ऑयल क्या करेगा, मेन टैंक में तो आएगा नहीं, उसकी वजह से वो ऊपर आ जाएगा, ऊपर मतलब जो एक्स्ट्रा ऑयल है जो एक्सपांड होकर क्या आ जाएगा, कंजर्वेटर में आ जाएगा। तो कंजर्वेटर में पहले क्या था, हवा भरी हुई थी, एयर भरी हुई थी, उसकी जगह क्या आ गया, ऑयल आ गया। तो ऑयल की जो हवा है, मतलब हवा का जो स्पेस ऑयल ने ऑक्यूपाई किया, वो एयर क्या हो जाएगी, बीदर के थ्रू बाहर हो जाएगी। और जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा, ऑयल वापस कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रेक्शन हो जाएगा उसमें, तो वो वापस एयर इन हो जाएगी और कंजर्वेटर टैंक खाली होके जो ऑयल है वो मेन टैंक में ट्रांसफर हो जाएगा। तो कंजर्वेटर और बीदर क्या करता है कि जब एक्सेसिव हीट जनरेट होती है उसके केस में जो ऑयल का एक्सपेंशन है उसको वो कंट्रोल करता है, कैसे करता है, इनहेल करके या फिर एक्सहेल करके, क्लियर। नाउ सिलिका जेल, जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो ट्रांसफॉर्मर है वो क्या है, फील्ड में लगा हुआ होता है बाहर, मतलब एक्सपोजर ऐसा तो है नहीं कि उसको किसी रूम के अंदर इंस्टॉल करके रखते हैं। आप लोग जीएसएस में भी देखेंगे या फिर कहीं पे भी डे टू डे लाइफ में एनकाउंटर करते हैं, तो मैक्सिमम ट्रांसफॉर्मर्स जो लगे हुए होते हैं वो क्या होता है, फील्ड में लगे होते हैं, एक्सपोज टू एयर होते हैं। तो क्या होता है कि हमारा जो सराउंडिंग का मॉइस्चर है वो क्या करेगा कि हमारा जो ऑयल है उसको खराब कर देगा, या फिर ट्रांसफॉर्मर के डिफरेंट पार्ट अगर मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो खराब हो जाते हैं। तो उन सबको अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिलिका जेल लगा के रखते हैं। सिलिका जेल क्या होता है, जिसे बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट, इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है कैल्शियम कार्बोनेट की, कि ये बेसिकली ब्लू कलर का होता है, मतलब स्काई ब्लू कलर का होता है, और ये क्या करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, मतलब जो आपके सराउंडिंग में मॉइस्चर है इसको ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर देगा। और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के बाद ये क्या करता है, पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। स्टार्टिंग में ये स्काई ब्लू कलर का होता है, लेकिन जैसे ही ये सैचुरेट हो जाता है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर करके, तो वो क्या हो जाता है, उसको उसका कलर चेंज हो जाता है। और जैसे ही इसका कलर चेंज हुआ, मतलब हमें पता चल जाएगा कि हमें इसको चेंज करने की जरूरत है या फिर इसको ड्राई करने की जरूरत है। तो सिलिका जेल इट इज यूज टू एब्जॉर्ब द मॉइस्चर ऑफ द सराउंडिंग, सो दैट जो ऑयल जो है वो क्या है, उससे मॉइस्चर को मॉइस्चर में नहीं हो। रेडिएटर्स एंड फिन्स क्या होते हैं, आप लोगों ने ट्रांसफॉर्मर के साइड में देखा होगा कि पंख की तरह लगा होते हैं, बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर्स में ऐसे प्लेट्स की फॉर्म में होते हैं और उसके पीछे फिन्स लगे होते हैं। उसका क्या यूज है कि जो एक्सेसिव जो हीट जनरेट हो रही है ट्रांसफॉर्मर की, उसको सराउंडिंग में डिसिपेट करना, मतलब एरिया को इंक्रीज करके, तो उसकी वजह ताकि क्या है कि जो हमारा ट्रांसफॉर्मर है वो क्या ठंडा रहे और वो इफेक्टिवली इफिशियंटली वर्क कर सके, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रेडिएटर्स और फिन्स को लगा के रखते हैं ताकि हीट क्या है सराउंडिंग में डिसिपेट हो जाए, एडिशनल एरिया प्रोवाइड करवा के। फिर ट्रांसफॉर्मर ऑयल कूलिंग की और इंसुलेशन के लिए यूज होता है, जो मेन टैंक में फिल होता है, टोल्ड यू। एक्सप्लोसिव एड्स क्या होते हैं, वहां पर क्या होता है कि आपका जो कंजर्वेटर और बीदर का जो सिस्टम है वो इफेक्टिवली वर्क नहीं कर पाता है, जब सडनली अगर लोड इंक्रीज हो जाए, सडन शॉक्स आ जाते हैं, उस कंडीशन में आपके ये बीदर और कंजर्वेटर क्या है, रिस्पॉन्ड होने में टाइम लगाते हैं। लेकिन हम लोगों के लिए कोई बैकअप का सिस्टम होना चाहिए जो इंस्टेंटली वर्क करे, उस कंडीशन में ये जो एक्सप्लोसिव एड्स होते हैं वो क्या है, इफेक्टिवली वर्क करते हैं और एक्सप्लोज होने से बचाते हैं, ट्रांसफॉर्मर को जल नहीं जाए, इसलिए एक्सप्लोसिव एड्स लगा करते हैं। बुशिंग क्या होती है, जो ट्रांसफॉर्मर आप लोगों ने देखा होगा उसके ऊपर ऐसे पोर्सेलिन के बने हुए वो
ब्लॉक्स होते हैं, मतलब ऐसे पाइप की तरह होता है। उसका यूज क्या है कि जो कनेक्टिंग लीड्स होती है उसको ट्रांसफॉर्मर से बाहर ले जाने के लिए, कनेक्शन देने के लिए हम लोग मशीन का यूज करते हैं। और लास्ट नॉट लीस्ट, दैट इज अ कूलिंग सिस्टम। कूलिंग सिस्टम मतलब अगर ट्रांसफॉर्मर को आप लोगों को विदिन अ परमिसिबल लिमिट टेम्परेचर फॉर्म में रखना है, उसका जो टेम्परेचर है वो सुटेबल फॉर्म में रखना है ताकि वो इफिशियंटली वर्क कर सके, तो उसके लिए कूलिंग सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट डिफरेंट रेटिंग के लिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कूलिंग सिस्टम को यूज करते हैं। अगर कोई स्मॉल पावर अटैक ट्रांसफॉर्मर है तो वो सराउंडिंग एयर से या फिर फैंस जो लगे होते हैं, बहुत बार आपने देखा होगा ट्रांसफॉर्मर के साइज में फैन लगे होते हैं, वो कूलिंग पर्पज के लिए लगे होते हैं। बहुत बार ऐसा है कि बहुत बड़ी पावर रेटिंग का ट्रांसफॉर्मर है और हीट डिसिपेशन भी ज्यादा कर रहा है, तो उसके लिए हम लोग नाइट्रोजन कूलिंग का या फिर हाइड्रोजन कूलिंग का भी यूज करते हैं, या फिर डिफरेंट टाइप की एयर ब्लास्टिंग और वाटर ट्रीटमेंट के थ्रू उसको कूल करते हैं। तो दिस ऑल आर द बेसिक कंस्ट्रक्शन फीचर्स ऑफ द सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर। लास्ट लेक्चर और ये लेक्चर दोनों मिला के आप लोगों का सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर का जो कंस्ट्रक्शन फीचर है वो कंप्लीट हो गया है। अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो यू